यू ऑल कैसे हो आप सब आई होप यू आर आर डूंग वेरी वेल और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ आगे मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके जो कि होने वाला है मिंत्रा का मिंत्रा से मैंने कुछ सात आठ कुर्ता सेट लिए थे जिसमें अनारकली स्टाइल भी है जिसमें स्ट्रेट फिट भी है और जिसमें ए लाइन स्टाइल के कुर्ता सेट भी हैं जो कि आप फेस्टिवल में भी पहन सकते हो आप ऑफिस वेयर में भी पहन सकते हो और एक्स वाई जेड तरीके से आप उसको स्टाइल कर सकते हो मतलब इसमें मिक्स लिया है मैंने अनारकली वाले जो होते हैं ना लॉन्ग ड्रेसेस विद दुपट्टा जिसके नीचे बॉटम नहीं होता वैसा वैसा भी कुछ है तो बिना देर के आज की वीडियो को करते हैं शुरू तो सबसे पहला आइटम जो हमारे पास होने वाला है, एक मरून कलर का फ्लोरल प्रिंट कलर का बहुत ही ज्यादा सुंदर कुर्ता सेट होने वाला है इसके अंदर पता है क्या पूरा फुल लेंथ ये है इसका जो हैम है ना फ्लैर्ड हैम है और इस बिल्कुल सिंपल है बट इसका जो फैब्रिक है ना शिफोन है जिसको आप देख सकते हो इस तरीके से शायद और फुल स्लीव दे रखे है। इनकी पहनने के बाद फिटिंग बहुत जबरदस्त इसकी आई थी इस तरीके का यहाँ पे इलास्टिक दिया हुआ है यहाँ की फिटिंग के लिए बहुत ज्यादा ही कमाल का कुर्ता सेट लग रहा था आप जब देखोगे ना तब आपको पता चलेगा साइड में वीडियो है आप लोग देखना कैसा लग रहा है और ना इसके नीचे बॉटम नहीं है सिर्फ ये कुर्ता है और इसके साथ एक दुपट्टा आया हुआ है फ्लोरल प्रिंट है और इतना ज्यादा इतना ज्यादा फ्लेयर है इसका कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को और मतलब है ना वो वाला फ्लेयर है जिसमें ना वजन नहीं होता क्योंकि शिफोन है तो इतना ज्यादा वेट नहीं होगा और नीचे इसके कोर्स इन्हर दे रखा है कई लोगों ने और बिल्कुल सिंपल नेक है और नेक में भी पता है क्या जो ब्रॉड नेक होता है ना जिससे काफ़ी ज़्यादा प्यारा फिटिंग आता है वैसे वाला इनका ब्रॉडर नेक इन्होंने दिया हुआ है स्लीव्स इसकी फुल लेंथ है अब बात करते हैं इसके प्राइस की प्राइस जो है ना इसका कुछ होने वाला है एटीन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ मैंने इसका साइज लिया था लार्ज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही फिट था मतलब थोड़ा सा लूज़ भी है पर वो चलेगा मुझे इतना ज़्यादा लूज मीडियम आता तो भी चल जाता मुझे बट ये वाला आ, इस मौसम के लिए बेटर है तो और इसकी दुपट्टा की भी बात कर लेते हैं दुपट्टा जॉर्ज में है और इतना ज़्यादा लेंथ का दुपट्टा है ना मतलब इस संभालने में नहीं आ रहा था मुझे और इस तरीके के यहां पे इसके बॉर्डर पे इस तरीके का लेसिंग दिया हुआ है तो कुल मिला के ना मुझे काफी ज्यादा प्यारा ये लगा था और कलर इसका थोड़ा ऐसे डार्क मरून होता है ना और उस पर फ्लोरल प्रिंट तो वो था काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था आप लोग बताना आपको कैसा लगा तो अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड कुर्ता सेट पे जो कि एक मस्टर्ड कलर का कुर्ता सेट होने वाला है आप लोगों को अगर याद है मिंत्रा की ईओ सेल वाला जो वीडियो था ना उसमें मैंने पहन के बैठी हुई थी वो वाला कुर्ता सेट तो काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि उस कुर्ता सेट का लिंक तो वो कुर्ता सेट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है लेकिन उस जैसा मैंने ढूंढ निकाला और अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो ये ले सकता है मतलब यस वैसा ही कुर्ता सेट है वो लिबास का था ये डिबैको ब्रांड है उसका है तो इस तरीके का ये कुर्ता सेट है बहुत ही ज़्यादा ऐसे कलर जो सूदिंग कलर होता है ना येलो में मस्टर्ड कलर वो वाला कलर है और थ्री फोर्थ स्लीव्स हैं और स्लीव्स में यहाँ पे ना इन्होंने इतने प्यारे से डिज़ाइन किया हुआ है इधर और ये लेसिंग वर्क यहाँ पे किया हुआ है इन लोगों ने और आप यहाँ पर आ जाओ नेक पे ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा ऐसे लग रहा था लेस वेस लगा के तो ये स्टाइल मुझे काफ़ी पसंद आया और स्लीव्स में आपको दिखा चुकी हूँ प्रॉपर लेंथ है स्ट्रेट फिट जिसको बोलते हैं वो वाला कुर्ता सेट है मतलब और अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ ना तो कॉटन नहीं है लिनन है ऐसा मेंशन किया हुआ है और मुझे कॉटन भी नहीं लग रहा है ये तो लिनन है और ऐसे वाला फैब्रिक है ये कि आप इसको आफ्टर वॉश इसको दस वॉश के बाद भी देख लेना ये एज इट इज़ मिलेगा जहां तक मुझे इसका आइडिया है बॉटम वेयर की बात कर लेते हैं इसका जो बॉटम वेयर है बहुत ही सिंपल ऐसे प्लाजो स्टाइल में दिया हुआ है और नीचे इसकी वही वाली लेसिंग जो स्लीवस पे और नेक पे की हुई है वो वाला है मतलब इसका फैब्रिक बहुत मजबूत है जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सही चलेगा सालों साल वैसे वाला फैब्रिक है जैसे लिबास वाले कई क्या होते हैं कॉटन में एक बार वॉश करते ही दो बार वॉश करते ही वो थोड़े से डेड से हो जाते हैं वैसा वाला प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा और यस दुपट्टा इसका सेम वैसा है जैसा वो वाले कुर्ता सेट का था तो आप लोग देख सकते हो ऐसे सिल्क ब्लैंड में ये दुपट्टा है और काफी ज्यादा प्यारा ऐसे लग रहा था इनके ऊपर कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था आप लोग देख सकते हो तो ये दिस इज आर सेकेंड प्रोडक्ट जिसके बारे में अगर प्राइस के बारे में बात करूँ हाँ साइज मैंने इसका लार्ज लिया था अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका कुछ अभी चल रहा है 2299 थाउजेंड बट इट इज वर्थ बाइंग थोड़ा और सेल का वेट कर लेना अगर आप लोगों को अभी नहीं चाहिए विश्लेस कर सकते हो मतलब बहुत अच्छा कुर्ता सेट है आगे के लिए भी और जैसे और कई बार क्या होता है कि काफी लोगों को बहुत सिंपल पहनना पसंद होता है कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ भी चीज पे काफी सिंपल और एलिगेंट पहनना पसंद करते हैं वैसा वैसा कुर्ता सेट मैं इसको बोलूंगी कि एकदम पहनने के बाद क्लासी एलिगेंट वाला लुक आएगा हल्का सा मिनिमल ज्वेलरी के साथ और डार्क शेड के लिपस्टिक के बाद बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाले हो अगर आप ये परचेज करते हो अब हम चलते हैं आज के थर्ड कुर्ता सेट पे जो कि वापस से शिफोन का होने वाला है यार ये वाला जो फैब्रिक होता है ना इसमें साड़ियां भी इतनी प्यारी लगती हैं और इसका दुपट्टा सबसे पहले मैं दिखाती हूँ इतना ज्यादा सॉफ्ट दुपट्टा है मतलब मैं आपको दिखा देख लो मतलब इस तरीके का ये मैं इसकी सॉफ्टनेस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और इतना हल्का कपड़ा है और शिफॉन है तो फिर रहेगा गई तो दुपट्टा बिल्कुल प्लेन है पर्पल कलर का और आज के हॉल में देखना आप लोग कितने पर्पल कुर्ता मैं दिखाऊंगी तीसरा तीन कुर्ते दिखाऊंगी आप देखना इसके कुर्ता की बात करते हैं तो बॉटम वेयर इसके नीचे भी नहीं है बट जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से और वी नेक का इस तरीके का जो आलिया कट स्टाइल में जो होता है ना वैसा कुर्ता सेट है पहनने के बाद बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था और इस तरीके की फ्लोरल प्रिंट है कुछ आप गोल्डन भी यहाँ पे देख सकते हो थ्री फोर्थ इसके स्लीव्स हैं और यहाँ पे इलास्टिक दिया हुआ इन लोगों ने पीछे वाले साइड में ताकि फिटिंग थोड़ी अच्छी सी आ जाए और इस तरीके का पूरा फ्लैर है मैं आप देख सकते हो नीचे डार्क पर्पल इन्होंने शेड देने की ट्राई किया और नीचे इनर है काफी ज्यादा सॉफ्ट है पहनने के बाद बड़ा जबरदस्त लगने वाला है और दोपट्टा तो इसका डार्क पर्पल है इस तरीके का मैं दिखाई चुकी हूँ तो इसके अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना तो प्राइस इसका भी कुछ टू थाउजेंड नाइनटी नाइन रुपीज था तो इस बार का कुर्ता सेट मैंने इस तरीके से लिया है कि जो पसंद आया मैंने वो डालती गई और फिर मैंने परचेज़ कर लिया तो इसी वजह से ऐसा लगेगा कई लोगों की कि, कि थोड़ा सा प्राइस ही है बट अगर किसी को पसंद आता है थोड़ा सा सेल का वेट कर लेना तो ये था हमारा थर्ड कुर्ता सेट तो अब चलते हैं हमारे फिफ्थ कुर्ता सेट पे जो कि होने वाला है ब्लैक एंड व्हाइट ऑफिस वेयर के लिए अभी तो थोड़ा सा फेस्टिव फेस्टिव वाला चल रहा था अभी हम ऑफिस वेयर के लिए देखते हैं क्या कुछ हम ले सकते हैं ऑफिस वेयर के लिए घर पे पहनने के लिए नॉर्मली एक ये कुर्ता सेट प्योर कॉटन में है जो कि बहुत ज़्यादा मस्त इतना ज़्यादा सॉफ्ट था इसका फैब्रिक एकदम प्योर कॉटन में है, तो इसके वॉश के बाद की गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ बट जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक ही निकलने वाला है जो क्रोशियर वाला जो काम होता है ना इस तरीके की लेसिंग वहाँ थर्ड थ्री फोर्थ स्लीव्स पे दे रखी है इन लोगों ने और अगर हम बात करें ना ना कि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टाइल पसंद आया था और ए लाइन कुर्ता सेट है मतलब जो है मैं ना इसकी स्ट्रीट फिट ना होकर इस तरीके की शेप की है तो ये थोड़ा सा अलग लुक दे रही थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था एथेनिक uh, मोटिव वाला इसका प्रिंट है आप एक बार इसका नेक भी देख लो किस तरीके का ये क्रोशियर का पूरा का पूरा दे रखा है इसका काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी इसकी इन्हांस कर रहा है ये वाली चीज़ अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस इसका uh, मैंने थोड़ा कम में लिया था अभी इसका प्राइस थोड़ा बड़ा हुआ है वन करंट प्राइस है तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट आइटम पे जो कि होने वाला एक पर्पल कलर का अनारकली सूट ये वाला जो पर्पल कलर है ना ये मैंने कभी आज तक ट्राई नहीं किया है इतना ज्यादा डार्क मुझे लगता था पता नहीं कैसा लगेगा बट जब अब की बार मैंने मंगाया और जब मैंने इसको पहना तो मुझे लगा यार अभी तक मैंने इसको ऐसे ही नहीं पहना बहुत ज्यादा प्यारा ये लग रहा था क्योंकि ऐसा होता है ना कि कलर कॉम्बिनेशन एक तो सिल्वर है और एक ये पर्पल है तो ऐसे उभर के आ रहा था इस तरीके का जरी का काम दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा फाइन जो काम होता है ना जिसमें एक भी आपको थ्रेड नहीं दिखेगा निकला हुआ और बहुत ही ज़्यादा फाइन वर्क था सीरियसली तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था इस तरीके से थ्री फोर स्लीव्स यहाँ पे दे रखी है अनारकली सूट में और फैब्रिक जो था ना इसका इतना ज़्यादा स्मूथ था ना मतलब मैं आपको बता नहीं सकती और एक होता है ना कि प्रॉपर शेप ही आपकी बॉडी को देता है वैसे वाला फैब्रिक था और इसका फ्लेयर बहुत 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 ज़्यादा प्यारा दे रखा था और यहाँ पे सेम तरीके से जैसे स्लीव्स पे दे लगा रखी है वैसे ही यहाँ पे भी इन्होंने लेस लगा रखी है घेर पूरे के पूरे घेर के ऊपर तो ये एक नी लेंथ नी लेंथ से तो बहुत ज़्यादा काफ लेंथ जो होता है ना उतनी लेंथ का था जो प्रॉपर अनारकली का होता है ना वो कुर्ता सेट था मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा ये उसके बाद अगर मैं बॉटम की बात करूँ ना तो बॉटम वही सेम तरीके का बांधनी प्रिंट में इसका बॉटम दे रखा था प्लाजो स्टाइल में क्या मक्खन फैब्रिक ऐसे बांधनी प्रिंट में अब कलर इसका उतरेगा कि नहीं वो एक देखने वाली चीज़ है बट अभी तक देखने में तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है अब इसकी दुपट्टा की बात करते हैं जो कि इसकी हाईलाइट होने वाली है बंधनी प्रिंट का दुपट्टा दे रखा है पूरे के पूरे दुपट्टा पे इस तरीके के डॉट बने हुए हैं और का बॉर्डर है वहाँ पे इस तरीके की लेस दे रखी है जैसा यहाँ पे उस पर दे रखा है और जैसा घेर पे दे रखा है ना कुर्ते की वैसे की वैसे दे रखी है वैसी लेस दे रखी है यहाँ पे और इस तरीके से चारों कोनों पे दे रखे जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था ऐसे तो दुपट्टा की लेंथ एकदम अप्रोप्रिएट है और फुट द सेट साथ बहुत ज़्यादा प्यारा है आप इसको परचेज कर सकते हो इट इज़ हाईली 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 रिकमेंडेड अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ ना तो 1416 इसका प्राइस है करंट प्राइस इसका 1416 है ये वाला जो प्रोडक्ट है ना ये आपको अजियो पे भी मिल जाएगा ये आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा ये आपको मिंत्रा पे भी मिल जाएगा बट मैंने मिंत्रा से लिया था तो मैं उसी का बता रही हूँ उसके बाद बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट कुर्ता सेट की जो कि ग्रे कलर का बिल्कुल प्रॉपर ऑफिस वेयर वाला जिसको मैं बोलूंगी ना वो कुर्ता सेट है स्लीवलेस यहाँ पे ये आप लोगों को मिलेगा और ए लाइन जो कुर्ता सेट होता है ना और सबसे अच्छी बात इसकी पता क्या है इसमें ना दोनों तरफ पॉकेट दी हुई है इस कुर्ता सेट में जो कि आजकल ऐसा लगता है ना नेसेसिटी बना हुआ है और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी पॉकेट के अच्छी खासी डेप्थ की इन्होंने दी हुई है पॉकेट तो ये सबसे बेनिफिट मुझे इसका लगा और है ना ऐसे एलिगेंट सा पहनने के बाद जो लगता है ना पहनने के हील्स वील्स पहन के और जो इसका बॉटम वेयर था ना उसकी लेंथ तो वाव थी ऐसे कि बिल्कुल एंकल लेंथ से जस्ट ऊपर जो होता है ना वैसे लेंथ है आप लोग देखना और स्लीवलेस है काफी ज्यादा प्यारी फिटिंग इसकी थी साइड कट नहीं है ये बिल्कुल ए लाइन जो होता है ना मिनी अनार अनारकली काइंड ऑफ वैसा वैसा, वैसा कुर्ता सेट है तो इट इज़ अ मस्ट बाय हाईली 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 रिकमेंडेड फैब्रिक भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा आप लोगों तो को, को विस्कस रे इसका फैब्रिक है बेसिकली अगर मैं इसके बॉटम की बात करूँ ना तो बॉटम है इस तरीके का बॉटम में इन्होंने पॉकेट्स नहीं दिए ऑफकोर्स क्योंकि कुर्ता सेट पूरा का पूरा बंद है कट नहीं है ये इसकी बॉटम है तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई थी इसकी लेंथ ऐसे शॉर्ट लेंथ जो होता है ना हिल्स पे पहनने के बाद जो अच्छा सा लुक देता है वो वाला लुक ये देगा कुर्ता सेट तो हाईली रिकमेंडेड दिस वन मैंने अभी तक किसी को ये नहीं बोला है कि ये वाला लेना ही लेना है बट अगर किसी को इस तरीके का चाहिए तो इट इज़ अ मस्ट वाई हाईली रिकमेंडेड मैंने बहुत बार बोल दिया जैसे तो प्रेशराइज़ कर रही हूँ मैं बट प्रेशराइज़ नहीं कर रही हूँ बता रही हूँ अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं प्राइस उसका नाइन हंड्रेड फिफ्टी नाइन रुपीज़ होने वाला है इतने का ही लिया था मैंने भी तो अब चलते हैं आज के लास्ट कुर्ता सेट पे जो कि होने वाला है अब देखना ये थर्ड वाला पर्पल कुर्ता सेट है लेकिन ये ऑफिस वेयर का है बाकी दो फेस्टिव लुक क्रिएट करने के लिए लिए थे इसका फैब्रिक है ना बहुत ज्यादा मस्त है मतलब मैंने इसको हाथ में लिया मैं सबको ही सॉफ्ट सॉफ्ट बोलती ना बट ये वाला सच में बहुत ज्यादा ही प्यारा फैब्रिक है ऐसे हाथ में लेते मक्खन जो फैब्रिक होता है ना वो है प्रॉपर घर पे पहन सकते हो ऑफिस वेयर कर सकते हो जैसे कोई टीचर है स्कूल में पहन सकते हो उस तरीके का कुर्ता सेट ये है इस तरीके का यहाँ पे आप देखोगे मैंडेरियन कॉलर दे रखा थ्री फोर स्लीव्स दे रखी हैं और प्रॉपर लेंथ के साथ हाँ इसमें पॉकेट वॉकेट चेक कर रही थी मैं इसमें भी कि मिल जाए बट नहीं है इसका प्रिंट काफ़ी ज़्यादा प्यारा था और कलर बहुत ज़्यादा सोबर है बॉटम वेयर की और बात कर लेते हैं कुछ इस तरीके का बहुत ही सिंपल बॉटम वेयर दे रखा है जो कि पैंट और प्लाजो के इन बिटवीन का ही लाई करता है लेकिन फिटिंग है ना टॉप नॉश थी मतलब अगर मैं इसकी और इसके पीछे वाले जो इससे पहले वाला जो कुर्ता सेट था उसके बॉटम वेयर की बात करूँ ना तो दोनों इतने ज़्यादा मस्त लगी है ना मुझे इनकी प्रॉपर लेंथ और प्रॉपर फिटिंग के साथ आप लोग देखना और आप लोग बताना आप लोगों को इन सारे कुर्ता सेट में से कौन सा ज़्यादा पसंद आया और सारे के सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हो तो ये थे हमारे आज के सात आठ कुर्ता सेट आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे मैंने कोशिश करी हर तरीके के कुर्ता सेट को उठाने की uh, मतलब मैंने ये जो लॉन्ग फ्लेयर्ड हैम वाले मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं कभी भी फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके का परचेज किया तो देखते हैं कैसे स्टाइल करते हैं उसको और अगर आप लोग नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आई है थोड़ी सी भी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और अगर आप लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको पता है कि क्या करना है डू लाइक कॉमेंट शेयर टू मैं चैनल आपकी फ़ैमिली और फ्रेंड्स को कर सकते हो जिसको इस तरीके की वीडियो देखना बेसिकली पसंद है उस, उनको शेयर कर सकते हो तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों का आज की वीडियो करते हैं करता मिलते हैं अगले वीडियो में टेल देन बाय बाय